दोस्तों, सोलो सिकोआ द ब्लड लाइन का एक अहम हिस्सा बन चुके हैं, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि समरस्लैम में जे उसो और रोमन रेंस के बीच यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए एक ट्राइबल कॉम्बैट मुकाबला देखने को मिलेगा, और यह मुकाबला इन दोनों ही सुपरस्टार के करियर का सबसे बड़ा मुकाबला साबित होने वाला है। और ऐसे में इस मुकाबले के दौरान सबसे अहम रोल निभाने वाले हैं सोलो सिकोआ, जो फिलहाल रोमन रेंस के साथ खड़े हैं और रोमन रेंस को अपने रियल ब्रदर्स से प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और इसी दौरान सोलो सिकोआ एक बार फिर से सुर्खियों में आ गए हैं, लेकिन इस बार द ब्लड लाइन की वजह से नहीं है, बल्कि उनका एक किस्सा है जो कि पिछले साल अक्टूबर 2022 का है। दरअसल पिछले साल सोलो सिकोआ बम्प बैक नाम के एक शो में अक्टूबर 2022 में नजर आए, जहां पर इस एपिसोड के दौरान सोलो सिकोआ का इंटरव्यू हुआ जो काफ़ी शानदार था, लेकिन कई चीज़ें थी जो इस एपिसोड के दौरान अननोटिसेबल ही रही, जो अब एक वीडियो द्वारा सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। दरअसल इस वीडियो में सोलो सिकोआ काइला ब्रैक्सटन के साथ फ्लर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल इस एपिसोड के दौरान काइला ब्रैक्सटन भी ब्लड लाइन की टी शर्ट में नजर आई विद वंस के रूप में, और इसी दौरान सोलो सिकोआ उनको काफ़ी ज़्यादा देर तक नोटिस करते रहे और अंत में कहते हैं कि आई लाइक योर शर्ट, यानी कि मुझे तुम्हारी शर्ट पसंद है। और इस तरह से सोलो सिकोआ का काफ़ी देर तक घूरना काइला ब्रैक्सटन को भी खल गया, और उन्होंने इसका एक जिक्र अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में किया, और जहां पर उन्होंने इस मोमेंट को एक वियर्ड मोमेंट के रूप में माना। और फिलहाल ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही थी, इसीलिए हमने आपके साथ ये वीडियो साझा की है। और साथ ही आपको बता दें कि समरस्लैम में होने वाले द ट्राइबल कॉम्बैट मुकाबले के दौरान सोलो सिकोआ एक बेहद ही महत्वपूर्ण रोल अदा करने वाले हैं, क्योंकि यहां पर विनर टैक्स ऑल मुकाबला है एक तरह से देखा जाए तो, क्योंकि जो भी सुपरस्टार रोमन रेंस और जे उसो में से जीतेगा वो WWE की यूनिवर्सल चैंपियनशिप और उसके साथ द ट्राइबल चीफ का पद है दोनों ही लेकर जाएंगे। ऐसे में इस मुकाबले के दौरान सोलो सिकोआ की अहमियत है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, लेकिन हम सब लोगों के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर समरस्लैम में सोलो सिकोआ किसका साथ निभाने वाले हैं। क्या वे द रोमन रेंस के साथ पूरी लॉयल्टी के साथ खड़े रहेंगे, या फिर अपने ब्रदर्स जे उसो और जिमी उसो की तरह रोमन रेंस को धोखा देकर अपने ब्रदर्स के साथ शामिल होंगे। खैर, यह तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा। इसके बारे में आपके क्या है ओपिनियन, कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। साथ ही अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करने के साथ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।